हेलो जी, स्वागत है आपका आज के हमारे संडे वाले ब्लॉग में। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने पिछले सप्ताह जो है आपको संडे का ब्लॉग बनाया था, तो आपको जो है आज भी जो है संडे का ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे। हमारा जो है प्रयास रहता ही है कि हर संडे आपके लिए ब्लॉग बनाएं और साथ ही साथ जो है कुछ इंटरेस्टिंग जो है आपसे जो है बातें कर सकें और आपसे जो भी हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं या जो भी हमारी जो है जीवन में चल रहा है, आजकल हम ब्लॉग बना रहे हैं लाइफस्टाइल का, उसे शेयर करते हैं। क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम रहता नहीं है कि हम ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग बनाएंगे। बहुत जल्दी हम जो है ट्रैवल के लिए जाएंगे और वहां भी आपको जो है वो वाले ब्लॉग भी आपसे शेयर करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और एक कमेंट करेंगे तो हमारा जो है प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा आपसे मिलता ही है। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। ये दोस्तों, आपको हमारे आखिरी ट्रैवल की कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं। वहाँ पे कुछ सिचुएशन ही ऐसे हो गई थी, हमारी बाइक खराब हो गई थी कि हम व्लॉग को पूरा नहीं कर पाए, पर आपको एक अच्छी जानकारी देंगे हमारे ट्रैवल व्लॉग के जरिए। तो चलिए इस व्लॉग में हम आपको उस व्लॉग की कुछ झलकियाँ दे देते हैं। चलिए इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और इस व्लॉग को पूरी तरह से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश स्वागत करता हूं। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और आज आपको जो है लेकर आया हूं देवप्रयाग। तो आप सामने मेरे पीछे देख सकते हो, ये देवप्रयाग का एरिया है। ऊपर से जो है इस एरिया को देखने को मिलता है। अभी सुबह का लगभग 7:30-8 बजे का टाइम है और नीचे से कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलता है। ये देखिए सामने आपको देवप्रयाग जो मेन है वो दिख जाएगा। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं, इधर से भागीरथी आ रही है और उधर से अलकनंदा। इस स्थान से जो है दोनों नदियां जो है संगम होता है और यहां पे जो है गंगा बनती है। यहीं से गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार तक लगभग यहां से 95 किलोमीटर है। भागीरथी उधर से आती है और 205 किलोमीटर गंगोत्री से इधर की तरफ, और वहां से अलकनंदा आती है, वो लगभग 195 किलोमीटर है। और उस स्थल पे जो है वहाँ पे काफ़ी लोग जो है पूजा भी करते हैं, पितृदान और वगैरह जो है यहाँ पे की जाती है, अलग अलग प्रकार की पूजाएं। और आपको इस प्रकार के यहाँ के दृश्य देखने के लिए मिलेगा। आज थोड़ा फॉगी वेदर है और कुछ इस टाइप से जानकारी देनी थी कि मैं अभी जो है कुछ मोटिवेशनल जो है शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, जिससे आप जो है काफ़ी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। तो आप जो है मेरे जो है चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि जो है आजकल शॉर्ट्स भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अभी आपने जो है अभी तक शॉर्ट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल के जो है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर जो है शॉर्ट्स को ज़रूर देखिए। दोस्तों, जैसे कि मैं अभी यहाँ गार्डन में आया था तो मम्मी ने जो है काफ़ी सारी गार्डनिंग की है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है आलू लगा रखे हैं, साथ में वहाँ पे जो है लहसुन लगा रखे हैं। वहाँ पे देख सकते हैं गोभियों का हाल, गोभी जो है किस तरह से हो चुकी है, गोभी कम और ये जो है कुछ ज़्यादा ही जो है तितर बितर ज़्यादा हो रखी है। साथ में जो है ये कुछ प्याज मेरे हिसाब से लगा रखे हैं, साथ में वो लहसुन थोड़ी बड़ी हो गई है। और इधर भी जो है ये सामने आप देख सकते हैं ये पौधा, ये जो है आलू का जो है पौधा है। साथ में पेड़ हमारे लग रखे हैं, साथ में केला के पेड़ है। और अभी जो हार्वेस्टिंग जो मम्मी ने हाल फिलहाल में की है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो हार्वेस्टिंग में जो है मम्मी ने अभी जो है इसे कहते हैं ये अदरक तो ये, पर ये जो है हल्दी है। हाँ, जो हमारा हल्दी होता है ये हल्दी है। और साथ में मम्मी वहाँ जो है गार्डन में आने की तैयारी कर रही है। अभी मम्मी की जो है लगभग थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो जो है कोशिश तो मम्मी की फिर भी रहती है कि जो है कि अपने गार्डनिंग में जो है कुछ ना कुछ काम करते रहे। और मम्मी ये क्या लगा रखा है? ये तो शायद मूली है ना। हाँ, तो मम्मी ने ये मूली लगा रखी है। साथ में जो है वहाँ पे गर्म पानी हो रहा है कि थोड़ा बहुत जो है ये जो हमारा जो घर पर जो है ये जो पेड़ पौधों के जो है पत्तियाँ होती हैं, इनसे जो है ये सारी चीज़ें की जा सकी है। तो कुछ इस टाइप से हमारा गार्डन है। और मम्मी जो है आपको काफ़ी दिनों बाद व्लॉग में दिखाई पड़ रही होगी। साथ में हमारा जो है एक रॉकी है, वो जो है काफ़ी शैतानी कर रहा है। दोस्तों, अभी जो है हमने यहाँ से जो है एक्सरसाइज अपनी कर ली है। तो जो है एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में तो मेरे से हो नहीं पाए क्योंकि टाइम की कमी और बहुत सारी चीज़ें होती है। रात को जो है आपके लिए वीडियो बनाते हैं, घर का काम भी, और बहुत सारी समस्याएं थी इसके कारण जो सर्दियों में बना नहीं पाए थे वीडियोज़। तो आजकल मेरी वो कोशिश रहती है कि जो है एक्सरसाइज ज़रूर की जाए, और साथ में जो है योग करना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। और
ठीक है। और मधु भी जो है अब घर के कामों में लग चुकी है, तो आज का हमारा संडे का दिन इस तरह से जो है स्टार्ट हो चुका है। और मम्मी क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या खोद रहे हो? हल्दी लगाओगे? अच्छा, वो आपने हार्वेस्टिंग नहीं की है, वो निकाल रखी है आपने अभी, मतलब बीज लेकर आए हैं? अच्छा, मेरे को लगा हार्वेस्टिंग कर रखी है आपने, निकाल रखी है तो आपने लगा। अच्छा, निकाल के फिर से लगा रहे हो? हाँ, अच्छा ये बात है। वो कितने टाइम में हो जाती है हल्दी? एक साल में? 7-8 महीने में? अच्छा, 7-8 महीने लगते हैं इसमें। अच्छा, और इसके साथ क्या लगाओगे अभी? नहीं, वहाँ पे और कुछ अभी है यहाँ पे जो है किचन गार्डन में कुछ और लगाने की संभावना है? भिंडी लगाएंगे, रास भी लगाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा कि क्या क्या मम्मी जो है लगाने वाली है, तो इस टाइप से कुछ काम करेंगे और हम भी जो है मम्मी की मदद करने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, अभी जो है औजार निकालते हैं अपने खेती बाड़ी के। तो सबसे पहले तो जो है अपने स्टोर से जो है देखते हैं कि क्या निकालना। तो पहली बात आ चुकी है कि पहले फावड़ा निकाल लेते हैं। तो चलो फावड़ा निकाल लेते हैं, फावड़ा निकाल देते हैं। और फावड़ा निकाल के जो है फिर देखते हैं कहाँ है फावड़ा, देखते हैं कहाँ है फावड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपनी धन्नो खड़ी है, और हाँ ये रहे फावड़े। तो इनमें से एक फावड़ा ले लेते हैं, और फावड़ा लेकर जो है उससे अपना करते हैं खेती बाड़ी का काम। दोस्तों देखिए, सामने हो चुका है सारा काम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ अपना नहाने धोने का, और समझते हैं और सारी समझे चीज़ें जो सुबह करनी होती है तो करते हैं। और साथ ही जो है GoPro हो चुका है, थोड़ा बैटरी लो तो इसे भी चार्ज करते हैं। पहले अपने प्लाट पे, उसी वाले पे जहां हमने पौधे लगाए हैं, उससे दूसरे वाले प्लाट पर, वहाँ पर भी हमने पौधे लगाए हैं। और वहाँ पर जो है कुछ हमें पौधों पर पानी देना, और साथ साथ वहाँ पर क्यारी बनानी जिससे कि वो पौधे ग्रो हो सके। तो वहाँ चलते हैं, चलिए वहाँ चलकर जो है उनको पानी देकर आते। सबसे पहले तो सुबह जो है हमने अपने जो है चप्पलें यहीं पे छोड़ दी थी, चप्पलों को उठा लेते हैं और चप्पलों को उठाकर पहन लेते हैं। उठाकर फिर अब जो है तैयारी करते हैं वहाँ चलने के लिए। तो वहाँ चल के फिर वही काम करेंगे। तो ये तो हमने ले ली दो बाल्टियाँ छोटी छोटी 10 लीटर वाली, तो 10-10 वाली 20 लीटर, और एक ये ले ली कुदाली। इससे जो है हम चारों तरफ पौधों के खोदेंगे गोलाई से, और वहाँ पे जो है पानी डालने के लिए जो है ये बाल्टी ले ली। वहाँ पे हैंड पंप है, तो हैंड पंप को लेकर उससे जो है पानी निकाल लेंगे और वहीं से भर लेंगे। तो भाई चलो बाइक को बाहर निकालते हैं, और बाइक को बाहर निकाल के फिर चलते हैं प्लाट की तरफ। इसका टाइम भी आने वाला है, अब जो है सिग्नल दिखाने लग गया है कि इसके सर्विस का टाइम आ चुका है। लगभग 520 किलोमीटर 21 किलोमीटर के करीब चल चुकी है। तो चलिए चलते हैं और प्लाट पर पहुंचते हैं, बने रहिए वीडियो पे, आपको दिखाते रहते हैं कि क्या क्या हम करते हैं संडे के दिन। चलो भाई, मौसम बिल्कुल साफ हो गया है,
दिन भी बड़े हो गए हैं, लगभग अभी जो है 6:30 और 7 बजे के करीब करीब ही जो है अंधेरा होता है, तो हम जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं क्योंकि अभी तो है रोशनी। उसके बाद देखेंगे कुछ और एक्स्ट्रा किया जाएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, और शायद जो है ये वीडियो क्योंकि मैंने आधी तो जो है एडिट कर दी है तो लगभग 8 बजे के करीब तक जो है अपलोड भी हो जाएगी, आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी जो है हम आ चुके हैं अपने खेतों के आसपास, खेत जो है जिनमें अभी जो है गेहूँ जो है अभी गेहूँ की फसल लगी हुई है। देख सकते हैं ये है कुछ हमारा प्लॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डंडे से खड़े हैं, यही पॉपुलर के पौधे होते हैं और मेरे लग भी चुका है अपने काम पे। तो ये जो है अभी हमने जैसे पौधे लगा रखे चारों तरफ से जो है इनकी खुदाई करनी है और यहाँ पे पानी डालना है। तो ऐसे कुछ है प्लाट के हाल अपने, और यहाँ पे हम आज कर देते हैं काम अपना स्टार्ट, और आज में जो है पानी डालते हैं क्योंकि सप्ताह भर में तो हम आ नहीं पाते। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जानवरों के लिए चरी वगैरह जो है वो रखी गई है, और उधर की तरफ जो है गेहूँ वगैरह वो रखे। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट, मैं करता हूँ ब्रिजेश की हेल्प स्टार्ट, और आप जो है इस वीडियो में बने रहिए। तो भाई हम पानी भर भर के लेकर आ गए हैं, तो चलिए पौधों में पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है पानी डालना बहुत जरूरी है क्योंकि जो है लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है पौधे में जो है पानी दिए हुए, और बारिश का सीजन जो है ड्रॉट अभी, तो जो है फरवरी में भी जो है पानी बहुत कम बरसा है, पहले बरसा था। तो दोस्तों अभी जो है लगभग काम खत्म हो चुका है, हमने सारे पौधों में लगभग पानी डाल दिया है। ब्रिजेस भी जो है अभी पानी डालने लग गया क्योंकि ब्रिजेस ने पहले जो है चारों तरफ जो है इसमें जो है कुछ इस प्रकार से खड्डा खोदा है जिससे कि पानी थोड़ी देर के रुक सके, तो यहाँ पे जो है पानी भी खोद दिया, लगभग सभी में पानी डाल चुके हैं। थोड़ा ब्रिजेस और डालेगा, उसका कहना है कि थोड़ा और पानी डाल देते क्योंकि सप्ताह में एक बार हम डालते हैं तो डाल देते हैं। तो हम काफ़ी सारी मेहनत है इसमें, हार्ड वर्किंग है हमारा, तो बस आज के लिए यही है, देखते हैं अभी कुछ और भी होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों लगभग जो है फाइनली हो चुका है अभी जो है आज का दिन, और लगभग जो है देख सकते हैं आप सामने अंधेरा होने वाला ही है, अब जो है सूरज जो है ढलने वाला है और बादल जो है कुछ लाल लाल से दिखाई पड़ने लगे, इधर की तरफ जो है सूरज ढल रहा है। तो देख सकते हैं आप, स्पष्ट रहती है कि अगर चाहते हो आप जो है चैनल ग्रो कर जाए, और मेरी जो है दिल्ली जो है तमन्ना भी रही है आपसे कि जो है इस चैनल में जो है मैं ट्रैवलिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं, पर जो है नहीं जो है इतना कंटेंट जो है बन पा रहा है क्योंकि जो है वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है और साथ में जो है जॉब भी इसी कारण करनी पड़ रही है। ये मेरा जो है अपना जो है दिल से जो है एक अच्छा काम करने का जो है मेरे को एक गोल सा नज़र आया, इसलिए मैं जीवन में ये कर रहा हूँ, और अच्छा है कि जो है काफ़ी सारे लोग जो है ये कर रहे हैं, तो यही करना चाहता था मैं। और मेरी उम्मीद है कि मैं जो है अगर अच्छा कर सका तो मैं आपको यही नहीं देसी नहीं विदेशों में भी, मेरा जो है दिल्ली ख्वाहिश है कि विदेशों में भी जाकर जो है ये ब्लॉग कर सको, और आपको जो है देसी नहीं विदेश भी जो है आपके साथ जो है वीडियो बनाकर जो है ट्रैवलिंग वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर सकूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही,
और क्योंकि जो है ज़्यादा बातें जो है हो चुकी है, तो आज के लिए जो है अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आप अभी तक जो है आपने अगर वही मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो हमारा जो है मनोबल जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।